बहुत सारे न्यूरो साइंटिस्ट का ऐसा मानना है कि हम हमारे ब्रेन को मात्र 30 से 60 सेकंड के अंदर पूरा का पूरा रिबूट कर सकते हैं, पूरा का पूरा रीसेट कर सकते हैं। इसका मतलब ये है, वो जो आपकी प्रॉब्लम्स है ना, जैसे कि आप पढ़ना तो चाहते हो बट चीजें आपके दिमाग में नहीं जा पाती, आप याद नहीं कर पाते, ये सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो सकती हैं कुछ एक्सरसाइजेस को फॉलो करके, वो भी मात्र 30 से 60 सेकंड के अंदर। ये बात बिल्कुल सच है कि कुछ लोग जन्म से ही बहुत बुद्धिमान होते हैं। हम में से हर किसी को अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ करना होता है। Six critical ingredients that can help you learn faster. In 24 hours time, we can rewire your brain completely. So that आपकी क्षमता कितनी, आपकी ताकत कितनी, कम है, बढ़ा लो। Do I have a technique that I would love to share with you? Attention, alertness. तो ब्रेन के अंदर जो वायरिंग है, जो केमिकल्स है, जो नेटवर्क्स है, बॉडी की पूरी मेंटल एनर्जी खींच लेता है। फिजिकल ब्रेन है, उसको कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए? तो हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत, मेंटोर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स। अच्छा एक बात बताओ, एक प्रॉब्लम जो कि आप सबने फेस करी होगी, अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आपने हमेशा ही फेस करी होगी, प्रॉब्लम ये है कि आप चीजों को याद करना चाहते हो, आप चीजों को रिमेम्बर करना चाहते हो, बट आपके दिमाग के अंदर स्पेस ही नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि यार मैं याद करने की कोशिश कर रहा हूँ बट मुझे याद ही नहीं हो पा रहा। कभी सोचा है ये क्यों होता है? ये होता है आपके शॉर्ट टर्म मेमोरी के फुल हो जाने की वजह से। जब आप दिन भर इंस्टा रील और यूट्यूब शॉर्ट चलाते हो और बहुत कम समय के अंदर इतना सारा कंटेंट कंज्यूम करते हो, तो आपका जो ब्रेन है उसकी शॉर्ट टर्म मेमोरी फुल होने लगती है, और जब वो फुल होने लगती है तो जब आप पढ़ने बैठते हो तो आपको कुछ भी याद नहीं होता। ये जो प्रॉब्लम है, इसके दो सोल्यूशन है। कुछ तो है शॉर्ट टर्म सोल्यूशंस जो कि न्यूरो साइंटिस्ट सजेस्ट करते हैं, कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जो कि न्यूरो साइंटिस्ट बताते हैं जब भी आप थके हुए हो, जब भी आपको चीजें याद नहीं हो रही, आप उन एक्सरसाइजेस को फॉलो करना और आपको चीजें याद होने लगेंगी। और एक मेथड है लॉन्ग टर्म मेथड, जो कि मेरा पर्सनल मेथड है, जो कि मैं अपने हर एक स्टूडेंट को बताता हूँ। अच्छा स्टार्ट करते हैं विद शॉर्ट टर्म एक्सरसाइजेस। इसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। आपके पेरेंट्स आपको बचपन में ये तो बोलते होंगे ना कि बेटा अपने नाखून को ऐसे रब किया कर, इससे क्या होगा, ये जो तेरे बाल हैं, ये जो तेरे हेयर्स हैं, इनकी ग्रोथ इंक्रीज होगी, ये ज्यादा काले होंगे, ऐसा बोलते थे, है ना? क्योंकि मेरे घर वाले तो बोलते थे, शायद आपके भी बोलते होंगे। क्या आपने कभी जानने की कोशिश करी कि इसके पीछे का रीजन क्या है, या फिर आपने उन बातों को इग्नोर कर दिया? आज समझाता हूं इनके पीछे का रीजन। रीजन क्या था कि आपके जो हैंड्स होते हैं, आपके जो फिंगर्स होते हैं, इनके पीछे होती है नर्व एंडिंग। जैसे कि आपको स्क्रीन के ऊपर भी मैं दिखा देता हूं, हमारी हर एक फिंगर और हर एक थंब के अंदर एक नर्व एंडिंग होती है। ये जो नर्व एंडिंग होती है ना, ये कनेक्टेड होती है आपके ब्रेन से। मतलब इमेजिन करो, जब आप अपने नेल्स को रब करते हो तो आपकी वो वाली नर्व एंडिंग एक्टिव होती है, और जब वो वाली नर्व एंडिंग एक्टिव होती है ना, तो आपके ब्रेन की तरफ वो सिग्नल भेजती है, और आपका जो ब्रेन है ना, वो कुछ इस प्रकार के हॉर्मोन्स को रिलीज करता है जिससे कि आपकी हेयर्स की ग्रोथ इंक्रीज होने लगती है। ये जो आपका दिमाग है ना, ये सारे हॉर्मोन्स को कंट्रोल करता है, चाहे वो हॉर्मोन्स आपकी ग्रोथ के हों, चाहे आपके मूड के हों, चाहे आपके हेयर्स के ग्रोथ के हों, फर्क नहीं पड़ता। तो आई होप तुम लॉजिक तो समझ गए होगे। अब मैं बताता हूँ तुम्हें एक्सरसाइज। एक्सरसाइज क्या है, पहली एक्सरसाइज क्या है, ध्यान से सुनना। और ये सारी एक्सरसाइजेस न्यूरो साइंटिस्ट ने अपनी किताबों के अंदर बताई हुई है। इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने बहुत सारी न्यूरो साइंटिस्ट वाली बुक्स को रीड करा है, उसके साथ साथ बहुत सारे न्यूरो साइंटिस्ट से मैंने सामने से बात करी है, उसके अलावा बहुत सारे पॉडकास्ट भी देखे हैं न्यूरो साइंटिस्ट से, जिससे मैं सारी चीजों को बता पाया हूँ। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, बट ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने पढ़ के और बुक से गैदर करी है, जो कि मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ध्यान से सुनना। देखो आपको क्या करना है, अभी मेरे साथ करो, अपने फोन को दूर रख दो, और करना क्या है, अपना ये थंब को ऐसे लो, अपना राइट या लेफ्ट हैंड के थंब को ऐसे करो, और दूसरे थंब और अपनी फिंगर से इसको ऐसे प्रेस करना है। कैसे प्रेस करना है, ऐसे प्रेस करना है, आई होप ये कैमरा के अंदर विजिबल होगा, आपको ऐसे प्रेस करना है। अब इसको प्रेस आपको रखना है कितनी देर तक, 30 सेकंड्स के तक। अब देखो यार, बहुत ज्यादा प्रेस मत करना, बहुत ज्यादा स्टूडेंट जो है कि बहुत ज्यादा ही प्रेस कर लेंगे, ऐसा नहीं, नॉर्मली प्रेस करना है 30 सेकंड्स तक। अब हो क्या रहा है, आपकी नर्व एंडिंग जो है वो एक्टिवेट हो रही है, आपकी ब्रेन की तरफ सिग्नल्स जा रहे हैं। अब आपको क्या करना है, 30 सेकंड्स बाद आपको इस थंब को ऐसे रखना है, और आपको इस थंब को साइड से प्रेस करना है, साइड से, दिख रहा है, साइड से प्रेस करो। साइड से प्रेस करने से क्या होगा, आपकी जो साइड की नर्व एंडिंग है वो इंक्रीज होने लगी। अब इस वीडियो को पॉज करो और एक साथ करो, पहले इसको प्रेस करो 30 सेकंड्स के लिए, और फिर इसको साइड से प्रेस करो 15 से 20 सेकंड्स के लिए। अभी आप देखोगे, जैसे ही आपने प्रेस करा, उसके बाद क्या आपको थोड़ा सा आपके नोज के पीछे का जो एरिया है, उसके अंदर आपको थोड़ी सी ज्यादा अलग सी स्थिति महसूस हो रही है, कि आप ज्यादा एयर अपने अंदर ले पा रहे हो, कि आपको अपनी आईज के पीछे वाला जो एरिया है उसके अंदर थोड़ा रिलैक्सेशन फील हो रहा है, कि आपको अपनी बॉडी के अंदर थोड़ा ज्यादा रिलैक्सेशन फील हो रहा है? अगर हाँ, तो ये एक्सरसाइज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट हाँ,
बहुत सारे लोगों के साथ एक्सरसाइज वर्क नहीं करती, बट अगर आप डेली ट्राई करोगे तो ये आपको भी रिजल्ट दिखाने लगेगी। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज नंबर वन। अब एक्सरसाइज नंबर टू बहुत ध्यान से सुनना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो करना क्या है, आपको अपने हैंड्स को ऐसे फोल्ड करना है, मतलब ऐसे। अब देखो क्या करना है आपको, ये जो आपके चारों फिंगर से दोनों हैंड की, इससे आपको अपने चेस्ट के सेंटर में ऐसे प्रेस करना है। यहाँ पर आपको ऐसे प्रेस करना है, चेस्ट के बिल्कुल सेंटर में जहां पर आपकी लाइन होती है वहां पर आपको एकदम ऐसे प्रेस करना है, बट बहुत ज्यादा जोर से मत करना, नॉर्मली बस आपको ऐसे प्रेस करना है। थोड़ा हल्का सा आपने प्रेस कर रखा होगा, अब क्या करो, डीप ब्रेथ लो। डीप ब्रेथ क्या होती है, आपको अपनी नोज से ब्रेथ लेनी है और आपके मुंह से ब्रेथ को बाहर छोड़ना है। जैसे कि हम ब्रेथ लेते हैं ऐसे, आपको ब्रेथ लेनी है और अपने मुंह से उस ब्रेथ को छोड़ना है और इसको यहां से दबाए रखना है। केवल 30 सेकंड्स के लिए करेंगे, ध्यान से देखना, बहुत ज्यादा रिलैक्सेशन फील होगा। देखते हैं, क्या आपको अपनी अपर बॉडी के अंदर पूरा रिलैक्सेशन फील होने लगा? क्या आपको अपने शोल्डर्स, आईज के पीछे वाले एरिया के अंदर कुछ ऐसा महसूस हुआ कि यार थोड़ा मतलब शांति टाइप की फीलिंग आई? अगर आई तो एक्सरसाइज आपके साथ वर्क करी है। तो अभी आपको क्या करना है, इन दोनों एक्सरसाइज को ट्राई करना है और अभी वीडियो को पॉज करो और कमेंट में मुझे पहले बताओ कि कौन सी एक्सरसाइज आपके साथ वर्क करी, कि एक्सरसाइज नंबर वन आपके साथ वर्क करी और एक्सरसाइज नंबर टू वर्क करी, या फिर कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनको दोनों एक्सरसाइज से कुछ भी चेंजेस नहीं देखने को मिले होंगे, तो आप भी कमेंट कर दो ताकि हम सारे एनालिसिस को देखें और फिर नेक्स्ट जो हम वीडियो लाएं वो आपके लिए और अच्छी रहेगी। तो कमेंट करना मत भूलना, मुझे प्लीज बताना आपके लिए कौन सी एक्सरसाइज बेनिफिट रही, वन, टू या फिर कोई भी नहीं। वैसे जितनी भी एक्सरसाइजेज है ना, ये आपको न्यूरो साइंटिस्ट की बहुत सारी बुक्स के अंदर देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ अगर आप पुराने वेद पढ़ोगे उसके अंदर भी आपको देखने को मिलेगा। बहुत सारी ये जो एक्सरसाइजेज हैं ये योगा के अंदर भी आती हैं। ठीक है, तो अब हम आगे बात करते हैं लॉन्ग टर्म। अब भैया ये बताओ, हमारे ब्रेन को हमें रिबूट करना है, हम लॉन्ग टर्म क्या चीज फॉलो कर सकते हैं? लॉन्ग टर्म चीज देखो, मैं अपने हर एक स्टूडेंट को ये फॉलो करने को बोलता हूँ, जो कि है डोपामाइन डिटॉक्स। ये क्या होता है, सिंपल सी चीज है, बहुत ध्यान से सुनना। देखो डोपामाइन एक केमिकल होता है जो कि आपकी बॉडी से रिलीज होता है जबकि आप खुश होते हो। जैसे कि आज के समय पर क्या हुआ है ना, कि हम 10 सेकंड के अंदर 20 इंस्टा रील देख रहे हैं, ऐसा भी कर रहे हैं कुछ लोग तो, है ना, एक मिनट के अंदर 30 इंस्टा रील देख रहे हैं, बहुत सारे लोग देख रहे हैं यूट्यूब शॉर्ट्स देख रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है, हम कम समय के अंदर बहुत सारा कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं। जब हम कम समय के अंदर बहुत सारा कंटेंट कंज्यूम करते हैं तो हमारा जो डोपामाइन लेवल है, जो हमारा खुशी का लेवल है, वो हाई रहता है। It evokes more dopamine release. So this is the big reward that comes at the end. हम हमेशा, हमारा डोपामाइन लेवल हाई है। अब हुआ क्या, अचानक से मुझे पढ़ने बैठना है, अब मैंने वो बोरिंग सी फिजिक्स की किताब निकाली और मैं पढ़ने बैठा, अब मेरा डोपामाइन लेवल बिलो हो गया, डाउन हो गया। जैसे ही वो डाउन हुआ तो फिर मुझे ऐसा लगने लगता है कि मुझे तो कुछ याद ही नहीं, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तो हमें क्या करना है, डोपामाइन डिटॉक्स करना है। मतलब ये देखो थोड़ा सा मुश्किल है, बस ध्यान से सुनना, आपको हर वीक एक ऐसा दिन निकालना है जिस दिन आप अपने फोन को नहीं छूओगे। मुझे पता है बहुत मुश्किल है, बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट लिखेंगे, अरे प्रशांत भैया हमारी तो ऑनलाइन क्लास होती है, हम क्या करें? अरे एक दिन संडे की तो छुट्टी होती है ना, मत उठाओ यूट्यूब, मत उठाओ इंस्टा, एक दिन जी कर देखो। जब तुम हर वीक में एक दिन निकालोगे ना, तुम देखोगे ऑटोमेटिक चेंजेस आने लगेंगे। अगर एक दिन नहीं कर सकते, 12 घंटे से स्टार्ट करो, फिर एक दिन तक लाओ, बट हर वीक में एक दिन, याद रखना हमें हमारे फोन से दूरी बनानी है। अगर लैपटॉप से पढ़ते हो तो बहुत बढ़िया है, अगर फोन से पढ़ते हो तो उस एक दिन में मत पढ़ो यार, उस एक दिन अपनी किताबों से पढ़ो। उस एक दिन का ऐसा तुम शेड्यूल बनाओ जो कि तुम फोन को यूज ही नहीं करोगे। ये जितना बोलने में आसान है ना, उतना आसान ये है नहीं, क्योंकि जब तुम करने बैठोगे ना, 10 से 12 घंटे बाद तुम्हारा दिमाग बार बार फोन की तरफ देखेगा। और देखो यार, इस चैलेंज को केवल 1% लोग ही फॉलो कर पाते हैं, और वो 1% लोग ही हैं जो कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्रैक करते हैं, चाहे IIT जेईई हो चाहे नीट हो। तो अगर इस चैलेंज को ले रहे हो तो याद रखना, हमें 7 दिन में केवल एक दिन ऐसा उठाना है जिसमें कि हम हमारे फोन को यूज नहीं करेंगे, कोई यूट्यूब नहीं, कोई इंस्टा नहीं, मेरी वीडियो भी आकर मत देखो। और इस चैलेंज को तुम 1 महीने तक फॉलो करना, और 1 महीने बाद फिर आना। अगर तुम इंस्टाग्राम यूज करते हो तो इंस्टाग्राम पे मैं अपनी आईडी दे दूंगा, मुझे फिर मैसेज करना, प्रशांत भैया 1 महीने ट्राई करा है, क्या तुम्हें चेंजेस देखने को मिले या नहीं मिले? सच सच मुझे कमेंट में बताना, सच सच मुझे मैसेज पे बताना। अगर देखने को मिले तो लिखना भैया देखने को मिले, अगर नहीं देखने को मिले तो वो भी लिखना, बट 99% मैं श्योर हूं चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो ये था शॉर्ट टर्म मेथड, ये था लॉन्ग टर्म मेथड। आई होप इससे आपकी कहीं ना कहीं मदद हो पाई होगी, और अब वो जो आपकी प्रॉब्लम थी ना कि भैया हमारा ब्रेन थक जाता है, वो वाली प्रॉब्लम खत्म हो पाई होगी। अब एक 1-to-1 लास्ट टिप देता हूँ, ये आपकी मेरी टिप है, कोई साइंटिफिक टिप नहीं है, ये मेरी पर्सनल टिप है जो कि मैं अपने, जब मैं प्रिपरेशन करता था कॉम्पिटेटिव एग्जाम की, जब मैं फॉलो करता था। ये टिप ऐसी है कि देख यार, साइंटिफिक चीज़ों को अलग रखते हैं, जब भी तेरे को थकान महसूस हो रही है, जब भी तुझे ऐसा लग रहा है कि चीज़ें याद नहीं हो पा रही, करना कुछ नहीं, पानी पी, 1 लीटर पानी पी जा, ठीक है? तो देख
दिमाग खुद ब खुद चलने लगेगा। बहुत बार हमारा दिमाग इसलिए नहीं चलता क्योंकि हम पानी को नहीं पी रहे होते, हम वाटर कंज्यूम नहीं कर रहे होते। हमारी 70-80% बॉडी वाटर पे चलती है दोस्त, अगर तू उसको पानी नहीं देगा तो कैसे काम चलेगा। तो पानी पीना स्टार्ट कर। तो ये जो थी मेरी पर्सनल टिप थी, जब भी मुझे अपने टाइम पे ऐसा कुछ लगता था कि यार मुझे समझ नहीं आ रहा होता था, मेरा दिमाग बहुत ज्यादा ऐसे बंद हो जाता था, तो मैं पानी पीता था, बहुत पानी पीता था और उससे दिमाग सही चलने लगता था। तो ऑन दिस नोट मुझे लगता है कि आपको कुछ ना कुछ यहां से मदद मिली होगी। अगर मदद मिली है तो अपने एक मित्र के साथ जरूर शेयर कर देना, अपने एक दोस्त के साथ शेयर कर देना। देखो यार, हमें एक रेवोल्यूशन लाना है। हम यूथ हैं, आप भी यूथ हो, मैं भी यूथ हूँ। हमें इस देश को, या फिर तुम अगर किसी और देश को भी हो तो उस देश को ऊपर लेकर जाना है। तो इसलिए इस प्रकार की वीडियो प्लीज अपने एक मित्र के साथ शेयर कर दिया करो, अपने एक ग्रुप के अंदर शेयर कर दिया करो। अगर तुम्हारा कोई स्कूल का ग्रुप है, ट्यूशन का ग्रुप है, वहां पर जरूर शेयर करना और इन एक्सरसाइजेस को फॉलो करना। और मुझे कमेंट में जरूर बताना उन एक्सरसाइज 1 या 2 में से कौन सी एक्सरसाइज आपके लिए बेनिफिशियल। ऑन दिस नोट शुक्रिया एवरीवन। मेरा नाम है प्रशांत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।